एक तरफ जहां दिल्ली में केदारनाथ धाम की तर्ज पर बाबा केदार का मंदिर बनाने को लेकर बवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाले का बड़ा आरोप लगा करके सनसनीखेज खुलासा एक तरह करने की कोशिश की। इस पर सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही, मंदिर समिति घिरती हुई दिखाई दे रही है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे के घर से निकलने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात की और दावा किया कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब है। उन्होंने इस मामले में अब तक जांच शुरू न होने पर सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहां का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता? इस दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ की तर्ज पर दिल्ली में भी केदारनाथ मंदिर जैसा मंदिर बनाने पर विरोध जताया। जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है, तो आप दिल्ली में कहां से लाके रख दोगे केदार को?